नमस्कार दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे रीसो डिजिटल डुप्लीकेटर मिनी प्रिंटिंग प्रेस इस मशीन के बारे में। तो आज देखते हैं कि रीसो CV3230 इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग करने के लिए अपने पास मशीन रेडी है। चलिए आज देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर जो रीसो का जो बॉक्स था उसके अंदर क्या क्या मिला। एक है इसका पावर कॉर्ड, पावर केबल, इसका मैनुअल स्क्रीन, ये इसका ड्राइवर स्क्रीन ताकि आप प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं और किसी से भी प्रिंट कर सकते हैं। और ये है इसका स्पंज। जैसे कि ये मशीन जब रन होती है, जैसे ये मशीन रन होती है उस टाइम पर उसका नॉइज एब्जॉर्ब करने के लिए मशीन के नीचे रखा जाता है। तो डेमो के टाइम पे ही मैं दिखा दूंगा। तो इसको स्पंज बोलते हैं। चलिए अभी इसको इंस्टॉल करते हैं।
ये इसका पेपर ट्रे है और इस जगह पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं पेपर के साइज के अनुसार। यहाँ पर मास्टर इंस्टॉल करना है। चलिए देखते हैं इसके अंदर अभी मास्टर कैसे लोड किया जाता है। ये वाइट जो स्पेस है ये वाइट साइड पे, और यहाँ पर ऑलरेडी ग्रीन लिखा हुआ है तो ग्रीन के साइड पे होना जरूरी है। जैसे कि अभी मैं ये देख रहा हूँ कि इसको ऐसे निकल करना है, उसके बाद ऐसे ऐसे निकल के ये प्लेट को थोड़ा ऊपर उठाना है और इसको नीचे रखना है। सिर्फ ऐसे ही लोड करना है और उसके बाद इसको बटन को ये कवर को इसको प्रेस करना है तो ये अपना मास्टर लोड हो गया। चलिए अभी देखते हैं इसको हम लोग इंस्टॉल कैसे करते हैं। पहले तो यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच है, इसका मेन स्विच, इसको हम लोग ऑन करते हैं। पावर स्विच जीपीएस आप देख सकते हैं कि ये मशीन यूपीएस पर भी रन होता है, यूपीएस पर भी चलता है मशीन का जो यहाँ से बंद करोगे तो भी यूपीएस पर चलती है मशीन। यहाँ पर आने के बाद एक एरर कोड आएगा इसके ऊपर मशीन के ऊपर, जैसे ही एरर कोड आता है तो उसको रिलीज करने के लिए सिलेंडर रिलीज बटन आपको प्रेस करना है। जैसे ही ये प्रेस करते हैं तो इसका जो ड्रम है वो होम पोजीशन में आता है। चलिए देखते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करना है। इसका ड्रम, इसका सिलेंडर भी बोलते हैं, ड्रम यूनिट भी बोलते हैं। इसका ड्रम यूनिट है, इसके अंदर एक इसका प्रेशर रोलर का लॉक होता है। तो प्रेशर रोलर का जो लॉक है उसको हम लोग अभी निकालेंगे। इसका जो लॉक है वो इस तरफ है, ये जगह पे इसका लॉक है प्रेशर रोलर का, ये हमको अभी निकालना है। तो ये निकालने के लिए सिक्योरिटी के कारण ये ड्रम यूनिट हम लोग निकाल के साइड पे रख देंगे इस तरह से। इस जगह पे ट्रांसपोर्ट लॉक, जब भी हम लोग को कभी ट्रांसपोर्टेशन में लेके जाना है मशीन तभी हम लोग इसको निकाल के वापस इस जगह पे इंस्टॉल करना रहता है। तो चलिए देखते हैं अभी वापस इसको ड्रम यूनिट को इंस्टॉल करते हैं। तो ड्रम यूनिट इंस्टॉल करना बहुत इजी है, सिर्फ इसका जो अलाइनमेंट है इसके बीच में आपको रखना है। एंड इसका जो मशीन के साथ आता है ये ओरिजिनल इंक, ये रिसो का ब्लैक कलर का इंक है, इसको भी इंस्टॉल करना बहुत इजी है। इसका ढक्कन ओपन करके आप ये जगह पर ऐसे रख के इसको बंद कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपको इसको प्रेस करना है। तो ये अपना मशीन हो गया, अभी प्रिंटिंग करने के लिए रेडी हो गया। चलिए आज देखते हैं अभी ये रिसो CV3230 जो मशीन है इसमें से प्रिंट कैसे लेते हैं। ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इसका अगर मल्टीपल प्रिंट करना है तो इस जगह पे इसको ADF बोलते हैं, ADF ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। ये जो डॉक्यूमेंट है फेस डाउन रखना है, जो लिखा हुआ नीचे की साइड पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पर रखोगे तो मशीन थोड़ा सा इसको अंदर ले लेती है ये पेपर को, और उसके बाद ये पेपर रुक जाएगा। जैसे ही पेपर रुक जाता है यहाँ पर ऑप्शन है कि मास्टर मेकिंग, फर्स्ट इसका एक मास्टर बनेगा, मास्टर बनने के बाद इसका इमेज रेडी होगा, इमेज रेडी होने के बाद आप मल्टीपल प्रिंट ले सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि मास्टर मेकिंग के ऊपर रखा है, स्टार्ट बटन के ऊपर रेड ब्लू लाइट है इस जगह पे और टोटली मशीन रेडी है, और इस जगह पे मैं स्टार्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ। इसमें से अभी ये मास्टर बनने का कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है, जैसे कि आप मास्टर बन रहा है उस जगह पे इसके अंदर जो ड्रम के ऊपर प्रीवियस जो मास्टर है वो वेस्टेज में भी चला जा रहा है, सेम टाइम पे नया मास्टर भी बन रहा है, स्कैनिंग भी हो रहा है, ये तीनों प्रोसीजर एट ए टाइम सेम टाइम चलते रहते हैं।
ये है इसकी प्रूफ कॉपी, आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल इसका प्रूफ कॉपी और उसके साथ आप मैच कर सकते हैं। तो इससे बहुत ही अच्छा प्रिंटिंग आ गया है इसमें। तो अभी देखते हैं कि हम लोग मल्टीपल इसके अंदर प्रिंट निकालेंगे। हम लोग अभी चेक करते हैं इसके अंदर, पहले हम लोग 5 प्रिंट निकालते हैं। ऑलरेडी इसके अंदर मास्टर लोड हो चुका है। कैसे मास्टर हुआ है एक बार देखते हैं कि मशीन के अंदर कैसे मास्टर भी बना है। तो इस जगह पे ये ड्रम यूनिट है, इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं। इस जगह पे मास्टर के ऊपर ऑलरेडी ये इंक आ गया है और इसमें से इंक पास होता है जब प्रिंटिंग के टाइम पे। तो अभी हम लोग देखेंगे इसके अंदर 5 प्रिंट कर सकते हैं। पांच प्रिंट इसका कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं इसका ये 5 प्रिंटिंग कंप्लीट हो गया। इस मशीन के अंदर मशीन का स्पीड मतलब प्रिंटिंग का स्पीड भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी इस नॉर्मल मोड पे मशीन है तो इसका जब भी हम लोग 5 पर करते हैं तो 130 स्पीड होता है इस मशीन का। तो चलिए अभी देखते हैं कि 130 के स्पीड पे मशीन कैसे रन होती है। देख सकते हैं कि इसका स्पीड सेम ही है, इसका स्पीड कभी भी कम नहीं होता है। ये 50 कॉपीज कंप्लीट हो गया और क्वालिटी भी इसका सेम ही रहेगा। फर्स्ट कॉपी भी और लास्ट प्रिंट भी इसका सेम क्वालिटी का प्रिंट होता है। चलिए अभी देखते हैं इसके अंदर हम लोग स्पीड कम ज्यादा भी करके प्रिंट कैसे होता है वो देखते हैं। जब मशीन रन होती है उसी समय भी आप इसका प्रिंटिंग का स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये इसका डिफॉल्ट नॉर्मल स्पीड है मशीन का, जैसे आपको मैंने बता दिया। देख सकते हैं कि ये 130 का स्पीड है, इसको अगर कम करके 60 पर भी डाल सकते हैं। मशीन जो स्पीड है वो 60 पर भी रहेगी, बड़ा देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग अभी 45 GS मतलब पतला पेपर जिसको न्यूज़ पेपर बोलते हैं, रीसाइकल पेपर बोलते हैं, ये भी हम लोग अभी इसके अंदर प्रिंट करके देखते हैं कैसे मशीन ये प्रिंट करती है। तो ये पेपर जो है इस तरह से निकालना है, ट्रे नीचे जाएगा, इस जगह पे बहुत सारा एडजस्टमेंट है। जैसे कि आपका पतला पेपर है तो उसको माइनस पे करना है और अगर जाड़ा पेपर है तो उसको +1 पे भी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग कुछ सेटिंग्स नहीं चेंज करेंगे, डिफॉल्ट सेटिंग पर हम लोग इसको ऐसा रखते हैं। ये इसका पिकअप रोलर है, इससे पेपर वो पिकअप कर लेता है। तो ऑलरेडी मास्टर इस मशीन के अंदर लोड है, यहाँ पर पेपर लगा हुआ है ऑलरेडी। और अभी हम लोग चेक करते हैं इसके अंदर प्रिंट दे। चलिए अभी देखते हैं कि इस मशीन में से हम लोग जो एनवलप भी प्रिंट कर सकते हैं, एनवलप प्रिंटिंग या ग्रीटिंग कार्ड है उसका जो कवर रहता है वो भी इस मशीन में से प्रिंट करते हैं। तो देखते हैं कि कैसे प्रिंट होता है। तो इस जगह पे आपको पहले ये जगह पे लोड करना है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, इस जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से देखते हैं हम लोग। तो आप ये देख सकते हैं कि एनवलप के ऊपर भी प्रिंट हुआ है।
चलिए अभी देखते हैं कि इस मशीन के अधिक जानकारी मैं आपको देता हूं। जैसे कि मशीन का मेक है रिसो, रिसो CV3230 B4 साइज मतलब 10x14 प्रिंटिंग साइज रहेगा इसके अंदर। A3 साइज आप यहां से स्कैन कर सकते हैं, A3 साइज यहां पर आप प्रिंटिंग के लिए रख सकते हैं ट्रे के अंदर, लेकिन जो प्रिंटिंग एरिया जो रहेगा वो रहेगा 10x14 जिसको B4 साइज बोलते हैं। चलिए देखते हैं अभी इस मशीन के अंदर और क्या क्या पार्ट है। जैसे कि ये ड्रम यूनिट, ये इसका इंक कार्ट्रिज जो जेल में रहता है, ना ड्राई है ना लिक्विड है। इस जगह पे इसका सेकंड एक कंज्यूमेबल पार्ट है जो मास्टर कहते हैं उसको। तो इस जगह पे हम लोगों ने अभी मास्टर लोड किया है। इस मास्टर के अंदर 210 मतलब 210 मास्टर B4 साइज के बन सकते हैं। इस जगह पे एक ट्रे है और उसको कहते हैं वेस्टेज, इसके अंदर वेस्टेज मास्टर है। जैसे ही कोई मास्टर कंप्लीट होता है या नेक्स्ट हम लोग कोई जॉब देते हैं तो पुराना वाला मास्टर ड्रम में से निकल के इस वेस्टेज में आ जाता है। इसको निकालने का भी तरीका और बिठाने का तरीका उसके लिए नीचे इस जगह पे इसका स्विच है तो वहाँ से हम लोग कर सकते हैं। इसको बंद करना, इस जगह पे पिकअप रोलर जहाँ से पेपर उठाता है, इस जगह पे उसका USB वायर से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं जो PC को कनेक्ट करना है। सेकेंड और एक इस जगह पे है USB पेन ड्राइव से भी इस मशीन से प्रिंट आप निकाल सकते हो। यहाँ पर इसका मेन स्विच ऑन ऑफ स्विच है और अभी देख रहे हैं कि ये मशीन को सिर्फ 150 वाट मतलब 150 वाट पर ये मशीन रन होती है। तो उसके लिए सिर्फ अभी जो हम लोग ने दिखा है वो UPS पर ये मशीन रन हो रही है। इस मशीन का जो स्पीड है 130 कॉपी पर मिनट, 130 कॉपीज पर मिनट इसका स्पीड है। जैसे कि मैंने अभी बताया इसको B4 साइज, इसका प्रिंटिंग का जो एरिया रहेगा, रिडक्शन एनलार्जमेंट, लाइट एंड डार्क सिस्टम, मल्टीपल प्रिंट्स, मैक्सिमम 10,000 प्रिंट हम लोग एट अ टाइम दे सकते हैं इसके अंदर। और स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, प्रिंट का पोजीशन अगर ऊपर नीचे या आगे पीछे करना है तो भी एडजस्ट करने का सिस्टम इस मशीन के अंदर है। इस मशीन का जैसे कि मैंने बताया कि पावर कंजम्पशन 150 वाट, मशीन का लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख प्रिंट्स एंड अबव। और इसके अंदर जो अभी इंक के अंदर कितना प्रिंट निकलता है, अगर मान लीजिए कि ये एक मास्टर हम लोग यूज करते हैं और इस मास्टर के ऊपर 1000 प्रिंट्स अगर हम लोग निकालते हैं तो ऐसा अगर रन लेंथ 1000 मास्टर के हिसाब से अगर चलता है तो ये इंक में से अप्रॉक्सीमेटली 20,000 प्रिंट एट द रेट 5% कवरेज एरिया के हिसाब से आप इसके अंदर इसका यील्ड है। चलिए तो अभी देखते हैं कि रिसो CV3230 जो मशीन है, रिसो डिजिटल डुप्लीकेटर, इसमें से कैसे प्रिंट करते हैं, पीसी से कैसे प्रिंट देते हैं। जैसे कि ये USB वायर से इस लैपटॉप को मैंने कनेक्ट किया, इस जगह पे USB इसका पोर्ट है, ये पोर्ट के अंदर मैंने कनेक्ट कर दिया। चलिए देखते हैं कि यहाँ से अभी कैसे इसको प्रिंट करते हैं हम लोग। जस्ट नॉर्मल प्रिंटर के हिसाब से इसको नॉर्मल प्रिंटिंग जैसे देते हैं वैसे ही हम लोग इसको प्रिंट करना है। देन यहाँ पर प्रिंट किया, यहाँ से प्रिंटिंग ट्रांसफर हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो इंटरफेस है यहाँ पर लाइट ब्लिंक होता है। लाइट ब्लिंक का मतलब है कि डेटा यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है अपनी मशीन के अंदर। उसके बाद ये मेकिंग मास्टर बनाएगा, जो पुराना वाला मास्टर वो निकाल रहा है, जो आवाज़ आ रही है इसकी तो पुराना मास्टर निकल रहा है, नया वाला जो मास्टर है उसके ऊपर बन रहा है। और उसके बाद जब ये कंप्लीट होता है ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 39 या 40 सेकेंड्स लगता है। ये 40 सेकेंड्स के बाद एक इसमें से एक प्रूफ कॉपी बाहर आ जाती है। तो ये है प्रूफ कॉपी, इसका ये इसका प्रूफ बन गया है। तो ये प्रूफ बनने के बाद आप मल्टीपल प्रिंट्स इस जगह पे दे सकते हैं। तो इसमें जितना चाहिए उतना प्रिंट आप बाद में कर सकते हैं। अगर इस मशीन का आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टिंग करना मत भूलिए। थैंक यू।